हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी अपने ब्लॉगर वेबसाइट में अगर कोई थीम को इंस्टॉल किया है, अगर आपने अपने वेबसाइट में थीम दो तीन इंस्टॉल किया है और आपका जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है, यानी थीम वो दो तीन शो कर रहा है, यानी कुछ आधा अधूरा थीम यहाँ पर शो कर रहा है, आपका थीम है वो यहाँ पर इस तरह डैमेज हो चुका है, तो आप अपनी इस थीम को किस तरह क्लीन कर सकते हो? क्योंकि मैंने जब अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पर दो तीन थीम को मैंने इंस्टॉल करके ट्राई किया था कि कौन सा थीम बेटर लगता है मेरा वेबसाइट पर, तो मैंने दो तीन ट्राई किया था, तो उनका तीनों वेबसाइट का जो थीम का जो फंक्शन होता है वो इसमें आधा अधूरा बता रहा है, यानी उस थीम का भी कुछ यहाँ पर फंक्शन शो कर रहा है, जिससे ये जो थीम है इसका लुक है वो डैमेज हो चुका है। तो ऐसे में हम किस तरह इसको क्लीन कर सकते हैं इस थीम को? यदि आपके भी इस तरह डैमेज हो गया है थीम तो उसको क्लीन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी थीम को, तो किस तरह कर सकते हैं? इसके लिए आपको ब्लॉगर पे आ जाना है, ब्लॉगर को लॉगिन कर लेना है, उसके बाद में आपको थीम वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद में इस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसमें से एक थीम इंस्टॉल करना हो तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर सिंपल के ऑप्शन पे आना है, इसमें जो फर्स्ट थीम आ रही है सिंपल ब्लॉग, इसको आपको अप्लाई कर लेना है, यानी इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो चुका है तो इसको बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये थीम इसमें इंस्टॉल हो चुका है, देखो इसमें अभी भी ये आ रहा है, लेकिन इसमें जो इतने जो फंक्शन शो कर रहे हैं ये फंक्शन इसमें थीम इस थीम के अंदर नहीं है, बट फिर भी ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको बैक आ जाना है। अब आपको लेआउट में चले आना है, इसके बाद आपको यहाँ पर साइड बार राइट वन इसके अंदर जितने भी ये यहाँ पर गैजेट इंस्टॉल हैं इन सभी को आपको डिलीट कर देना। इसके लिए आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है और इसमें ऑप्शन मिलेगा रिमूव का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? इस तरह सभी को आपको रिमूव कर देना है, जैसे कि मैं इनको सभी को एक फटाफट इनको रिमूव कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर जो सभी गैजेट थे सभी के सभी को इंस्टॉल कर दिया, यानी उसको रिमूव कर दिया है, तो अब आपको यहाँ पर आ जाना है बैग और एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेना है, यहाँ पर एक भी आपको गैजेट दिखे नहीं देखा, राइट साइड में जो गैजेट दिखाई देते हैं वो नहीं दिखेंगे। अब आपको बैग आना है, वो आपको सेम पे आना है और यहाँ पर इस नोक के ऊपर क्लिक करना है, आइकन्स पे और स्टोर पे जाना है और अपना जो थीम है उसको अगेन आपको अपलोड कर लेना है, तो हम इसको अपलोड कर लेते हैं थीम को। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग थीम चल रहा है, तो ये अभी थोड़ी देर में ये थीम है वो रिस्टोर्ड हो जाएगा, तो कुछ सेकंड का आपको इंतज़ार कर लेना है फ्रेंड्स। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये स्टोर हो चुका है, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो या फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा थीम है प्रॉपर ओपन हो गया है, ठीक है? और ये वाला जो ये दिखाई दे रहा है इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आपको लेआउट पे आ जाना है और इसमें ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इसके कहाँ से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, तो इसको आपको रिमूव कर लेना है, वो हट जाएगा। एक बार आप चेक कर लेते हैं कि रिमूव हुआ नहीं हुआ, तो ये रिमूव हो गया, ठीक है? तो इस तरह आप अपने जो प्रॉब्लम आ रही है अपने थीम में जो बग हो गई थी जो डैमेज हो गई थी, तो कुछ इस तरह आप उस थीम को रिस्टोर करना है, क्लीन करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो फ्रेंड्स।